इलोंगेशन कितना है? तो मान लो डीएक्स पार्ट में इलोंगेशन कितना है? इलोंगेशन है डीएल। समझ में आया है ना? ड्यू टू टेंशन टी, ये जो टेंशन टी है यहाँ पे, इसके वजह से, ये जो टेंशन टी है इसके वजह से डीएक्स लेंथ में, मान लो यहां से छोटे से लेंथ डीएक्स में, छोटे से लेंथ डीएक्स में कितना इलोंगेशन आ रहा है? डीएल आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? तो यस सर एक्स एक्स डिस्टेंस नीचे है ना, सीलिंग से एक्स डिस्टेंस नीचे एक पॉइंट पर, मान लो नीचे एक डीएक्स लेंथ में है ना कुछ एक्सटेंशन आ रहा है, लेकिन डीएल छोटे से लेंथ में छोटा सा मान लो एक्सटेंशन आ रहा है ड्यू टू दिस टेंशन, क्योंकि एक्स लेंथ में टेंशन क्या होगा? डब्ल्यू बाय एल अपॉन एल माइनस एक्स। छोटे से लेंथ है ना डीएक्स में, टेंशन क्या होगा? टेंशन आएगा डब्ल्यू बाय एल अपॉन W अपन L इनटू होल इनटू L माइनस X, है ना बच्चों? ओके नाउ नाउ आई कैन से दैट नाउ आई कैन से दैट है ना कि ये जो इलॉन्गेशन है ना, मतलब टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस है ना, इज इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया क्या है? स्ट्रेस है बेसिकली। मुझे क्या, हमें क्या बताना हो? स्ट्रेस, नाउ लेट्स से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लेट्स से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये क्या है? यंग्स मॉडुलस है ना। इम्प्लाई स्ट्रेस क्या होना चाहिए? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस होल इनटू स्ट्रेन, है ना बच्चों? स्ट्रेस क्या होना चाहिए? यंग्स मॉडुलस होल इनटू स्ट्रेन, है ना? तो फिर हम ये बोल सकते हैं स्ट्रेस क्या है वहां पे? टेंशन बाय एरिया एट पॉइंट बी इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज आ रहा है? डीएल लेंथ चेंज आ रहा है। कहाँ पे? डीएक्स लेंथ में। समझ में आया? ठीक है। नाउ टेंशन वहां पे कितना है? व्हाट इज टेंशन देयर? डब्ल्यू बाय एल होल इनटू एल माइनस एक्स, इतना टेंशन आ रहा है। बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डीएल अपॉन डीएक्स। That implies है ना, W by L whole into L minus X into DX that is equal to AY into DL। समझ में आ रहा है ना? अब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो नेट एक्सटेंशन आएगा, है ना? इंप्लाइज डब्ल्यू बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर इनटू ए इनटू यंग्स मॉडुलस इंटीग्रेशन ऑफ एल माइनस एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू डीएल इंटीग्रेशन। डीएल इंटीग्रेशन क्या है? डीएल डीएल है ना, डीएल इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा? इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू टोटल, हाँ क्या हुआ? सर एन टोटल डीएल इंटीग्रेशन टोटल एल नहीं है, डी एल जो है इलोंगेशन इन लेंथ डीएक्स इज डीएल ड्यू टू टेंशन टी। डीएक्स लेंथ में, डीएक्स लेंथ में इलॉन्गेशन कितना आ रहा है? डीएल आ रहा है। तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? टोटल एक्सटेंशन आएगा। यही तो यहाँ पे की पॉइंट है बच्चों,
यही तो यहाँ पे की पॉइंट है, पॉइंट ये है, समझ में आ रहा यस सर, है ना बच्चों? ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना तुम लोग, फिर से बता रहा हूं मैं, सुन रहे हो ना सब लोग? यस सर, ध्यान से सुन रहे हो ना? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ, एक पर्टिकुलर इलोंगेशन में ठीक है ना, मान लो ये एक्स लेंथ है ना, एक्स लेंथ का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट कंसिडर करो, कंसिडर ए वेरी स्मॉल पार्ट अराउंड लेंथ एक्स, है ना? तो लेट से मान लो ये dx है, अच्छा dx पार्ट में, इस पार्ट में टेंशन कितना आ रहा है, इस पार्ट में टेंशन कितना आ रहा है, टेंशन जो भी आ रहा है वो उसके नीचे वाले वेट के वजह से आ रहा है, टेंशन जितना आ रहा है वो उसके नीचे वाले वेट से आ रहा है, L माइनस x, समझ में आ रहा है ना? टेंशन जितना आ रहा है उसके नीचे वाले वेट से आ रहा है ना, है ना? नीचे वाले वेट के वजह से आ रहा है टेंशन T। अब ये जो टेंशन है ना, ये वेट के वजह से आ रहा है, डब्ल्यू डैश की वजह से, ठीक है ना? तो मैं क्या बोला ना, डी एल इज अ वेरी स्मॉल एक्सटेंशन, वेरी स्मॉल एक्सटेंशन ड्यू टू लेंथ डी एक्स, समझ में है ना? DL बेसिकली इज अ वेरी स्मॉल एक्सटेंशन ड्यू टू लेंथ DX और इन लेंथ DX, सॉरी इन इन द पार्ट DX, इन द पार्ट DX ड्यू टू टेंशन, एट पी, यहां पर टेंशन के वजह से डीएल इज अ वेरी स्मॉल एक्सटेंशन इन द पार्ट डीएक्स ड्यू टू टेंशन एट पी, मतलब पी पॉइंट पर, समझ में आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यहां तक समझ में आ रहा ना बच्चों? यस सर। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंप्लाइज स्ट्रेस विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होगा, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होगा, अब वहां पे स्ट्रेस कितना आ रहा है, टेंशन अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है स्ट्रेस, विच इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन,
तो कितने लेंथ में कितना मतलब चेंज इन लेंथ आ रहा है, डीएक्स लेंथ में चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है डीएल। तो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। डीएक्स आ रहा है, डीएल आ रहा है चेंज इन लेंथ। डीएक्स है कहां पे चेंज इन लेंथ आया, डीएक्स लेंथ के ऊपर डीएल चेंज इन लेंथ आया। मैं जो लेंथ ले रहा हूं ना वो भी मैं कंसीडर कर रहा हूं छोटा लेंथ है, और उसमें है ना उसमें एक छोटा सा चेंज आ रहा है टेंशन टी के वजह से, समझ में आया। और टेंशन क्या है, डब्ल्यू बाय एल होल इनटू एल माइनस एक्स, नहीं डब्ल्यू इज इक्वल मतलब है ना टेंशन क्या है, टेंशन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एल वेट पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ है ना द पार्ट बिलो पॉइंट बी, क्योंकि यहां पे जो टेंशन है इस पार्ट के वेट के वजह से आ रहा है डब्ल्यू डैश की वजह से, है ना। वो अप्लाई कर लिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू वाई इंटू डी एल अपॉन डी एक्स, दैट इंप्लाइज डब्ल्यू बाय एल ए वाई होल इंटू एल माइनस एक्स डी एक्स, कैपिटल एल यहां पे टोटल लेंथ है, एल माइनस एक्स डी एक्स इसका जो इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू डी एल इंटीग्रेशन। अभी बताओ स्वयं शुभम कि डी एल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, टोटल एक्सटेंशन। हाँ अभी ये टोटल लेंथ नहीं है ना बेटा, यस सर। ये टोटल लेंथ है क्या, नो सर। नहीं ना, ये डी स्मॉल एल है, डी स्मॉल एल मतलब टोटल एक्सटेंशन इन द वायर, है ना। तो इंप्लाइज नेट एक्सटेंशन जो है, इंप्लाइज नेट एक्सटेंशन जो है, नेट एक्सटेंशन है ना, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एल ए वाई इंटीग्रेशन ऑफ एल माइनस एक्स डी एक्स, है कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एल इंप्लाइज नेट एक्सटेंशन क्या होगा, है ना बच्चों। इंप्लाइज नेट एक्सटेंशन क्या होगा, एल ए वाई, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एल माइनस एक्स डी एक्स जीरो टू एल, समझ में आ रहा है ना बच्चों। यस सर। तो एल डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू एल माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू एल, एल इंटू एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एल माइनस है ना एल स्क्वायर बाय टू,
is equal to WL by 2AY. समझ में आया ना बच्चों? यस सर। मस्त मस्त क्वेश्चन था ना। इसमें एक्चुअली हमको क्या देखना पड़ा बेसिकली कि है ना नेट एक्सटेंशन का निकाल रहा है ना कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंशन आएगा, लेकिन जो एक्सटेंशन आ रहा है ना कोई भी पॉइंट पे जो छोटा सा एक्सटेंशन आ रहा है वो टोटल लेंथ के लिए एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, वो वहां पे छोटे से लेंथ का एक्सटेंशन आ रहा है ना। ये तुमको समझना पड़ेगा जो बेसिकली टेंशन के वजह से जो एक्सटेंशन आता है ना, मान लो अलग अलग पॉइंट पर ना अलग अलग टेंशन आएगा। मान लो कि पॉइंट वन है तो यहाँ पे टेंशन आ रहा है टी वन, यहाँ पे पॉइंट टू है तो यहाँ पे टेंशन आ रहा है टी टू। तो यहां पे आ रहे टेंशन T2, ये पॉइंट थ्री है तो यहां पे आ रहे टेंशन T3, ये पॉइंट फोर है। अरे कोई समझ नहीं रहा है यार मेरा फोन मेरे फोन का। अरे नहीं यार मेरे फोन का है ना डिस्प्ले खराब हो गया, मैं आज मैसेज नहीं दे पाया व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, कोई बार बार फोन कर रहा है। समझना चाहिए ना कि अगर मैं उठा नहीं पा रहा हूं तो कोई दिक्कत होगा। लगता है पूरा फिजिक्स पढ़ाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना? यस सर। पॉइंट वन में पढ़ा दूं ना पूरा फिजिक्स उसको पूरा सर, यही वाला प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? जब तक नहीं समझता है ना तब तक पढ़ाऊंगा कि बोलूंगा भाई तू ये समझ नहीं पा रहा था, बार बार कॉल कर रहा था, कुछ दिक्कत हुआ होगा। अब तेरे को जब तक ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आता ना मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये जो पॉइंट वन है ना, मान लो पॉइंट वन में अगर तो पॉइंट वन में जो टेंशन आ रहा है मतलब जो एक्सटेंशन आएगा ना, ऐसा नहीं कि ना सीलिंग से पॉइंट वन तक जो लेंथ है उस लेंथ का टोटल एक्सटेंशन है, ऐसा नहीं है। पॉइंट वन पे जो एक्सटेंशन आएगा टेंशन टी वन के वजह से वो यहाँ पे एक छोटे से लेंथ में कुछ छोटा सा एक्सटेंशन आएगा। मान लो यहाँ पे कुछ है ना लेंथ होगा डी एक्स वन, अब ये डी एक्स वन के ऊपर एक्सटेंशन मान लो आ रहा है डी एल वन। समझ में आ रहा है? जैसे पॉइंट टू है यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है ना, ये जो टेंशन है यहाँ पे एक छोटे से पार्ट में छोटा सा मतलब है ना एक छोटे से पार्ट में छोटा सा एक्सटेंशन लाएगा, है ना? ऐसा नहीं कि ना टी टू जो टेंशन यहाँ पे लग रहा है वो पूरा यहाँ से ऊपर से पॉइंट टू तक का जो लेंथ है वहां पे इतने लेंथ का एक्सटेंशन ला रहा है, नहीं कर रहा है वो पूरे इतने लेंथ का एक्सटेंशन नहीं ला रहा है। टेंशन टी टू के वजह से है ना ये जो डी एक्स टू यहाँ पे छोटा सा जो लेंथ है डी एक्स टू, ये dx2 में है ना कुछ एक्सटेंशन आएगा dl2। ऐसे सबका एक्सटेंशन को कंटिन्यूअसली ऐड करेंगे तो वो जाके मिलेगा नेट एक्सटेंशन। यस सर। समझ में आया ना? यस सर। हाँ इसको इसको फिर से समझाता हूं मैं, ठीक है ना? और उस बंदे को तो मैं बहुत समझाऊंगा, ठीक है ना? कॉल कर करके परेशान कर रहा है क्लास सर। हाँ सर वो थोड़ा प्रीवियस स्लाइड दिखाया ना, ये सर इससे पहले का ये। यस सर। हो गया? यस सर। अब देखो मैं और एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, सबको समझ आ रहा है ना बच्चों? यस सर। यस सर। ये जो चीज बता रहा हूँ ना अभी इससे ना पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है ना?
मान लो कि मैं ऊपर से कुछ लेंथ ले रहा हूं, एलिमेंट्री लेंथ ले रहा हूं ऊपर से, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट्री लेंथ है मान लो, ये जो एलिमेंट्री लेंथ है मान लो, है ना, यहां पे कुछ टेंशन आ रहा है टी वन, और ये जो एलिमेंट्री लेंथ है, ये जो एलिमेंट्री लेंथ है ये है मान लो डी एक्स वन। अब ये लेंथ डी एक्स वन में टेंशन टी वन के वजह से, ठीक है ना, टेंशन टी वन के वजह से आएगा एक्सटेंशन डी एल वन, समझ में आ रहा ना। अब टेंशन तो वेरिएबल है ना, जितना नीचे जाएंगे टेंशन उतना वेरी करता जाएगा, समझ में आया। यस सर। तो मान लो मैं जस्ट उसके नीचे वाला एलिमेंट ले जाऊंगा, वेरी स्मॉल एलिमेंट, है ना, वेरी स्मॉल एलिमेंट अगेन। अब मान लो ये एलिमेंट का लेंथ जो है, मान लो ये एलिमेंट का लेंथ जो है एक्स टू है, डी एक्स टू है। अब यहां पे डी एक्स टू जो जगह है, यहां पे क्या हो रहा है ना बच्चों, यहां पे कुछ टेंशन आएगा, तो मान लो यहां पे टेंशन आ रहा है टी टू, तो यहां पे मान लो टेंशन आ रहा है टी टू, और उस टेंशन के वजह से ये डी एक्स टू में आ रहा है, ये डी एक्स टू में आ रहा है एक्सटेंशन डी एल टू, ठीक है ना। वैसे ही कंटिन्यू करते जाऊंगा, तो ये मतलब एक एलिमेंट में, हर एलिमेंट में अलग अलग टेंशन आएगा, उसमें कुछ छोटा सा एक्सटेंशन आएगा, तो ऐसा हर एलिमेंट का एक्सटेंशन ऐड कर लूंगा तो मुझे पूरा रॉड का एक्सटेंशन मिलेगा। यस सर। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो गया, है ना, टोटल एक्सटेंशन, ऐड द एक्सटेंशन इन एवरी एलिमेंटरी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, सो दैट विल गिव यू द टोटल एक्सटेंशन, है ना, पूरा फंडे वाला चीज। यस सर। यस सर। ये प्रॉब्लम करते टाइम ना, पहले पढ़ते टाइम, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये नहीं दिखाता ना ये चीज। यस सर। इसीलिए तो हम एचसीवी करते हैं और फिर उसके बाद मॉड्यूल करते हैं, ताकि ऐसी चीजें जो है ना हमें दिखने लगे, ठीक है ना। यस सर। बड़ा मजा आता है मुझे, बहुत मजा आता है ऐसे चीजें जब आते हैं ना सामने, ना गूज बम्स आते हैं मुझे, ठीक है ना। चलो ये आज अभी का मीटिंग तो एंड होने वाला है ना, अभी मैं मीटिंग एंड कर लेता हूँ, है ना।